नई जनरेशन के लिए प्रीवियस जनरेशन की स्टाइल और सोच अक्सर पुराने हो जाते हैं, पर आज की हमारी कहानी एक ऐसी दाई माँ की है जिन्होंने अपनी कुकिंग और नर्चरिंग से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जनरेशन्स को इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस किया। वेलकम टू अम्मा सुपरस्टार। हमारी नॉमिनेटर के पास है तीन माँ, अपनी माँ, सासू माँ और दाई माँ। क्या है इनकी कहानी और कौन है इनकी तीसरी माँ, जानने के लिए लेट्स वेलकम टुडेज नॉमिनेटर सुषमा श्रीवास्तव। हाय, मैं सुषमा सुनाम श्रीवास्तव और मैं मुंबई से हूँ। आई वर्क एज अ कोरियोग्राफर और इस शो में आज मैं गंगा बाई जी को नॉमिनेट करना चाहती हूँ। सुषमा जी, आपने अपनी मम्मी को नहीं नॉमिनेट किया, पर आपने अपनी दाई माँ को नॉमिनेट किया। दैट इज रियली फैसिनेटिंग टू मी। सो टेल अस मोर अबाउट दैट। पैदा करने वाली मम्मी तो होती है, सबको प्यारी होती है और फर्ज भी निभा देते हैं, बहुत दिल से प्यार भी करते हैं। और सासू माँ भी, सासू माँ भी होती है, बहुत प्यार प्यार करती है। उनको जैसा लगता है वो लोग कर लेते हैं और हमको भी जैसा लगता है हम लोग भी प्यार करते हैं। लेकिन जो दाई माँ होती है वो लोग बिना कुछ स्वार्थ के या फिर उन्होंने पैदा भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने दिल जान से हम लोग के लिए इतना सेवा करते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 8 मंथ प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा पुट ऑन किया था, एंड दैट टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीशियस था, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो सिक्किम में एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करती है। तो आपका ध्यान आपकी दाई माँ ने रखा बहुत ज़्यादा। आपकी ये लाइन मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी दाई माँ से। मेरा नाम गंगाबाई है, मैं बम्बई की रहने वाली है और मैं पूरा 40 साल ये बच्चा लोग का मालिश करती है। और प्रेग्नेंट होएगा औरत मैडम लोग तो उसको मैं सूखा बोम्बिल और वो गीला बोम्बिल का फ्राई करता है और उसको खिलाता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी और मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला, मेरे पड़ोसन ने, कि आपको इस स्टेज में आपको मालिश करने की सख्त ज़रूरत है। तो गंगाबाई को बुलाया और मुझसे मिलवा दिया। तो अम्मा ने मेरी मालिश शुरू की और गंगाबाई गरम गरम गीला बोम्बिल और सूखा बोम्बिल बना के खिलाती थी। कि कितने बच्चे का मालिश किया और कितना नहीं। मेरे हाथ के बच्चे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए और पायलट भी बन गए। मेरे घर पे मम्मी भी नहीं थी और मेरी सास भी नहीं थी, बस अम्मा आती थी और मुझे एज अ मदर इन लॉ तो मेरा बहुत उन्होंने केयर किया है। डिलीवरी हो गई फिर उसके बाद मेरे बच्चे का उन्होंने मालिश करना, नहलाना, सब कुझ करना। इनफैक्ट साथ साथ में मुझे भी मालिश करते थे, नहलाते थे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गंगाबाई। सुषमा जी, आप ये बताइए, ये आपको कहाँ मिली? मैं घर पे थी। अच्छा। मैं तभी 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी। Okay. मेरा चल रहा था। बिफोर प्रेगनेंसी में वर्किंग वूमन थी तो मुझे इतना अड़ोस पड़ोस में कौन कौन रहता है मुझे पता नहीं रहता था। देन आफ्टर 6 मंथ आई टुक अ गैप। मैंने घर पे बैठा, फिर मैं ढूंढ रही थी कि अरे मसाज वाली चाहिए, क्योंकि मेरी नेबर्स मुझे बोलती थी कि तुमको इतनी तकलीफ है अभी को, तुमको एटलीस्ट मसाज वाली तो चाहिए चाहिए। और मुझे पता भी नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी भी नहीं थी, मेरी सास भी नहीं थी मेरे घर पे। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एक घर पे शादी चल रहा था 3rd फ्लोर पे, तो उनको जाना था शादी में, बट फॉर्चुनेटली वो मेरे घर पे आ गए। तो मैंने बोला जी आंटी बोलिए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा यहाँ घर पे शादी हो रहा है, किधर है? फिर मैंने बोला अच्छा शादी घर जो है वो 3rd माले में, आप नीचे जाइए। फिर वो नीचे चले गए। फिर किसी ने वही फ्लोर पे बताया कि ऊपर 6th फ्लोर में एक लेडी है, उनको वो मालिश वाली चाहिए, वो ढूंढ रही है। फिर वो नेक्स्ट डे मेरे घर पे आई
कि अच्छा आप मालिश वाली ढूंढ रहे थे तो मैं करते हूँ, तो आई वॉज सो हैप्पी. तो वो आए, मेरा हल्का फुल्का पाँव दबाने लग गए, हाथ वाथ दबाया, थोड़ा अच्छा लगा मुझे. जैसे हम लोग बात करने लगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगे, 9 महीने का होने लगे. बेटा ये खाना चाहिए तुमको, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे शुरू करना चाहिए, तुम ऐसे मत चलो गिर जाओगे, ये मत करो. मतलब और... आपकी एकदम अपनी माँ जैसे इन्होंने आपको हर स्टेप पे गाइड किया कि ऐसे करो. एग्जैक्टली. और मैं 8 मंथ के प्रेगनेंसी में मैं बाथरूम में स्लिप होके गिर गई थी. ओह गॉड. और मेरा जो टेल बोन है वो फ्रैक्चर हो गया था. एंड शी केयर्स मी अ लॉट दैट टाइम. अगर अम्मा नहीं होती तो शायद मेरे लिए इट्स वाज वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए बहुत तकलीफ की बात होती. और मैं ऐसे बैठ भी नहीं पाती थी, और ना मैं ऐसे लीन करके बैठ पाती थी, ना मैं आगे. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम. और कोई नहीं था घर पे, अम्मा थी अकेले. फिर मेरे बाबू को मालिश करना शुरू किया. अच्छा, फिर आपके बच्चे को इन्होंने मालिश कराई, फिर मुझे. आपको सुषमा जी की सबसे प्यारी बात कौन बहुत सी लगी? प्यारी, सबसे प्यारी. सबसे प्यारी बोलेगा तो मेरे को बहुत दया आता था. सबसे प्यारी. सबसे क्यों, ये लड़की एकदम मेरे को नॉर्मल लगता था. कैसा कि उसका हाई नहीं कोई, ये मेरे को कोई संबंध नहीं होता. नहीं, जी, लेकिन जी, इसको बहुत सिंपल करने वाला जी, कोई नहीं था. जी, मेरे को सर मेरे मन में कभी जाएगा सुषमा के पास क्या करेगा क्या. अच्छा, नहीं करेगा. मतलब आप अपने घर में भी रहती थी तो आपको इनका ख्याल लगा रहता था कि कैसी होगी. और मेरा माइनस पॉइंट क्या है ना, मुझे जैसे रात को 10-11 बजे था डर लगने चालू हो जाता है. अच्छा, अकेले थे, बच्चा छोटा था, तो मैं बोलती थी अम्मा जल्दी आ जाओ ना आप मेरे पास, जल्दी आ जाओ. फिर मेरे पास आके रुक जाती. 1 बजे तक 12 बजे तक मैं उधर ठहरती थी. मेरी एक कजन है जो अभी प्रेग्नेंट है एक्चुअली. शी इज जस्ट कंप्लीटिंग हर 8 मंथ. आप हमें और बताइए कि मतलब मैं उसको और क्या क्या बोलूं कि उसकी भी सब कुछ अच्छे से हो जाए जैसे सुषमा जी का हुआ. खाने को बोलो ये जी गीला बूंदी लाई, सूखा बूंदी लाई, फ्राई करो, वो सही अच्छा रहता है, बच्चा का मजबूती रहता है. और प्रेग्नेंट का औरत तो उसको बहुत ताकत आता है बॉम्बिल से. बॉम्बिल से फिर ये बाजरे का रोटी भी है. अच्छा, बाजरा, बाजरे का रोटी जरा उसको थोड़ा थोड़ा परोठे जैसा करने का, उसमें चम्मच से ऐसा करने का. मुझे बना के खिलाती थी. हाँ, घी लगा कर, घी लगा के थोड़ा गुड़ डाल के फिर वो उसको चाय नाश्ता के टाइम देने का. अच्छा, हाँ, तो फिर वो लोग को तकलीफ नहीं होता, उसमें ताकत होता है. और आपको सुषमा जी के बेटे से तो बहुत ज्यादा प्यार है. आयन तो मेरे को भगवान जाने उसने कौन सा बुद्धि दिया, 3 बार मेरा पाँव छुआ उसने. कल अच्छा? वो भी 2 साल का है मेरा बेटा, 3 बार उसने पैर छुआ. 3 बार मेरा पाँव के पास आया है, मेरे को गाल पकड़ता है, गोद में बजा. उसका मेरा जान पसंद 1 साल के बाद में खत्म हो गया था, लेकिन अब भी वो फिर से. मैं बस यही कहना चाहूंगी, इतना प्यार और मतलब प्यार इतना ज्यादा बहुत ही बड़ी बात है. बाकी सब लेडियों से मैं लक्की मानती हूँ आपको, क्योंकि मुझे ज्यादा ध्यान देता है. इसकी वजह से मेरे को जगह मिल गई. तो कौन लेके आएगा मेरे को? सही बात है. कोई नहीं लेके आएगा. नहीं, हम समझ गए कि आप सबसे ज्यादा प्यारी हैं. सबसे ज्यादा सबसे प्यार, क्योंकि मेरे पास 3-3 माँ है. 3-3 माँ. एग्जैक्टली. अब हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है पॉपकॉर्न की माला. तो करना क्या है मैं आपको समझा देती हूँ. बस ये सुई है. अम्मा और... एकदम स्ट्रिक्टली देख रहे हैं आपको. हाँ. क्या करा क्या रहे हो मुझे. और बस ये पॉपकॉर्न इसमें फिरो देना है. होगा अम्मा? देखती सो दिस आई विल गिव टू अम्मा. ओके. अच्छा, हमें ये देखना है कि 1 मिनट पे बेटी ज्यादा माला बनाती है या अम्मा ज्यादा बड़ी माला बनाती है. माँ को कोई जीत सकते है क्या? बट यस ऑफ कोर्स आई विल ट्राई. 1 मिनट. चलिए अम्मा, चलिए अम्मा, जल्दी जल्दी. सुषमा टूट गया. यस, आराम से बनाओ. नहीं नहीं, मुझे अम्मा को जीतना है. आराम से बनाओ. नहीं नहीं नहीं, अम्मा टूट, अम्मा जल्दी जल्दी. अम्मा आपका टूट नहीं रहा है? टूट रहा है. अच्छा, टाइम क्या हो रहा है? अपना बनाने में ध्यान दो. अभी टाइम कितना हो रहा है? हो गया 1 मिनट बस होने वाला है. बस अम्मा का देखो पहले कितना है. आ, नो अम्मा, आपका हाथ चाहिए मुझे. एक हाथ ले लियो मेरा. हाँ, दे दीजिए अम्मा, मैं खुश हो जाऊंगी जिंदगी भर. कमजोर बच्चे हो तो देना चाहिए ना. नहीं, ये बात सही बात है. हाँ, मैं अम्मा के सामने हमेशा कमजोर हूँ. कम हो जाएगा, माला कम हो जाएगा ना. 7 6 5 4 ये अम्मा. 3 2 1 स्टॉप. ओह, को
on, give me, I'll count. चलिए पहले मेरा. So one, two, three, four, five, six. No cheating. Seven. Cheating. Eight. देख अम्मा को जिताने के लिए मुझे cheat कर रहे हैं यहाँ पे. नहीं नहीं. Only eight. Sushma. No no no. I'll count myself. Okay, I'm just kidding. Let me count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. So fifth, sixth, seventh, eighth, 9, 10, 11, 12, 13, 14. मेरी अम्मा ही जीत सकते हैं वैसे मैं उनके साथ कॉम्पिटिशन कर भी नहीं सकती. यो अम्मा आपको जीत लिया. एक्चुअली उनके हाथ एक मुझे दे दिया था पहले ही. हमें बहुत मजा आया आपके साथ खेल करके. अच्छा लगा अम्मा. अच्छा है ठीक है. ठीक है तुम मेरे दोनों साथ में होगा तो मेरे को कोई फिक्र नहीं. हम दोनों के साथ थे. जिनके साथ हम खुशियों के पल गुजारते हैं एक बार हम उन्हें भूल भी जाएं पर जो इंसान हमारा हाथ मुश्किल वक्त में थामता है वो हमारे लिए फरिश्ता जैसा हो जाता है और हम उन्हें कभी नहीं भूलते. आज की हमारी कहानी बिल्कुल ऐसी है. सुषमा जी और उनकी दाई माँ. वेलकम बैक टू अम्मा सुपरस्टार जहाँ पे हम दाई माँ से बनवा रहे हैं सुषमा जी की फेवरेट बॉम्बे डक. आप मुझे बस इंस्ट्रक्शन देते जाना. मैं आपकी ऐसी बहाने में भी सीख लूंगी. कुछ बनाने अभी ये सुक्का बूंदी ले जी. हां अरबी उसमें मैं पानी डालेगा. पानी नॉर्मल डालेगा ज्यादा नहीं. अच्छा एकदम कम डाल. एकदम कम डालने का तो ज्यादा डालेगा तो क्या गीला हो जाएगा. माँ के हाथों का बनाया हुआ खाने में स्वाद ही कुछ अलग. वाह 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 अम्मा. अच्छा ये कौन सा मसाला है. ये मालवनी मसाला. मालवनी मसाला आपने खुद बनाया है. खुद आपने घर में बनाता है. क्या बात है. क्या क्या डालते हैं इसमें. सब जीरा. जीरा धनिया हल्दी और मिर्ची और बना के रख लेते हैं. हाँ, बना फिर काफी दिनों तक चलता है. साल भर चलता है. वैसे पता है अम्मा एक्चुअली में मेरी नानी जैसी दिखती है. बस फोटो भी है अभी मैं आपको दिखाऊंगी. अच्छा लेके जाओ मेरा फूफो नानी को दिखाने को. खुशबू तो देखो जल्दी दे दो अम्मा बना के. कितनी फटाफट बन भी गई अम्मा. वो प्लेट है वहाँ पे. नहीं नहीं पका पका देख के लग रहा है कि पक गया. ये बन गए. और अब बारी है बॉम्बल फ्राई की. अम्मा ये हमने पहले से आपके लिए फ्रेश बॉम्बल मंगवा के रखे हैं. अच्छा अब बताइए कैसे बनाएंगे आप. इसमें वही सेम मालवड़ी मसाला डालेंगे. वही मसाला सेम जो हमने पहले डाला था. मैं डाल दूं. हाँ डाल दो. डाल दो इसमें क्या डाल. थोड़ा सा पानी डालो मेरे हाथ. अच्छा बस, बस. ओहो ये क्या अम्मा. अभी इसमें डाल देंगे ना अम्मा. हाँ इसमें डालो थोड़ा. अच्छा अम्मा तो हमको इतना बना के खिला रहे आप हमें बुला के आप क्या बना के खिला रहे. सब्र का फल मीठा होता है. अच्छा 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 ओके. ऐसे ही आपको तो खिलाया ना बेटी. हो क्यों करता है. इतना अच्छे से बना रहे हो आप. देखो मुझे इतना अच्छा लग रहा है. मुझे एकदम डेस्परेट होना चाहिए. लेकिन आपको अभी जल्दी मम्मी बनना पड़ेगा फिर. अम्मा आपके मुँह की बात छीन ली मैंने. छीन ली छीन ली. और मेरे को खबर ही आना चाहिए. हाँ, हाँ, इसके लिए आप खिला रहे हो उनको. See, I'm helping अम्मा also. चलेगा. मुझे तो करना चाहिए ना. आप सीख रहे हो अम्मा से. हाँ, जैसे तुम तो बहुत सीख चुकी हो. नहीं, मुझे मुझे आज तक नहीं आया क्योंकि मेरे पास अम्मा है. और अम्मा आप क्या क्या और बनाती हैं? सब बनाती घर में. सब बनाती. फिश का और क्या क्या बनाती है? इडली बनाती है. सांभर बनाती है. डोसा बनाती है. दाल चावल बनाती है. अच्छा अंडा कड़ी बनाती है. आपका फेवरेट क्या है ये बताइए हमें. आपको क्या सबसे ज्यादा खाना पसंद है? दाल चावल. उनको खाने से अच्छा खिलाने में अच्छा लगता है. अम्मा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. बहुत अच्छे से ब्राउन भी हो गई. अब निकालते हैं इसको. निकल गई. चलो रेडी हो गया पल्लवी का डिश. मजा आएगा अभी. सीख लिया ना आपने बनाना. बहुत अच्छी स्मेल आ रही है अम्मा. वैसे मुझे एक बात पूछनी थी आपसे. बोलो. मेरी एक फ्रेंड है जिसको बॉम्बिल पसंद नहीं है. हाँ. तो इसके अलावा और कौन सी मछली यूज कर सकते हैं बॉम्बिल के अलावा?
कोई भी मतलब मांदली दियो बांगड़ा बांगड़ा दियो बांगड़ा सुरमई दियो सुरमई भी सुरमई दियो टेस्ट ऐसे ही अच्छा सा आएगा उसका रसा भी बहुत अच्छा होता है ये और ये फ्राई करके तो वो अच्छा होगा ये सूजी वाला फ्राई करेंगे सूजी वाला फ्राई चलिए अम्मा टेस्ट करते हैं आज तो स्पेशल पल्लवी के लिए ओ हो हो कैसा लगा सुपर अमेजिंग बहुत अच्छा बना अम्मा इतना मजा आ रहा है आप भी तो खाइए खाइए खाते अम्मा आपने मेरे लिए इतनी टेस्टी फिश बनाई इसलिए मैंने भी आपके लिए एक अपने तरीके से फिश बना के रखी माय इटालियन वर्जन ऑफ फिश ये पीनट क्रस्टेड फिश है ओहो मतलब मैंने सेइंग दाना को सिर्फ थोड़ा सा रोस्ट करके और फिर उसको फिश को उसमें कोट करके जैसे आपने सूजी में कोट किया ना मैंने वैसे ही सेइंग दाना में कोट करके और फिर थोड़ा सा फ्राई कर लिया चलो अम्मा आपके साथ साथ मैं भी टेस्ट कर लूं करो करो आइए आइए यो या यो क्या था अम्मा कड़क बन गया ना ये ज्यादा जज हो रहा है कड़क बन गया कैसा बना अम्मा सुंदर बन रहा है सुंदर सुंदर पल्लवी जैसी सुंदर पास अम्मा पल्लवी जैसी सुंदर अच्छे नंबर से अच्छा एकदम थैंक यू अम्मा डिफरेंट टेस्ट अम्मा मैंने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज बना के रखा है अच्छा ठीक है थैंक यू सरप्राइज अम्मा थैंक यू अम्मा आने के लिए और भगवान को प्रार्थना करती है ऐसा अगले जन्म में ऐसा दो बेटी दे दियो कोटी कोटी नमस्कार मेरे थैंक यू अम्मा एक पिक्चर ओह नाइस कैमरा हमेशा याद करूंगी आपको फोटोग्राफ देख करके जैसे दाई माँ की कुकिंग हर फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी हिट है वैसे ही मेरी फैमिली में भी एक सुपर हिट फैमिली रेसिपी है जो मैं आज आपके लिए बनाने जा रही हूँ बफौरी की सब्जी बफौरी की सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले बफौरी बना लेंगे और उसके लिए हमें सोख की हुई चना दाल को पीसना है बफौरी जो कहते हैं वो हमारे एमपी में चना दाल से बनी हुई फ्रेश बड़ियों को कहते हैं और अब मैं इसमें थोड़े से फ्लेवर्स ऐड करूंगी लहसुन अदरक और काली मिर्च के दाने और अब थोड़ा सा नमक डाल करके हम इसे एक महीन से पेस्ट में पीस लेंगे बफौरी की सब्जी जो है वो मेरे दादाजी की फेवरेट थी वो खुद सिल बट्टे में मसाला पीस करके खुद से दाल पीस करके अपने लिए बफौरी की सब्जी बनाते थे यहाँ पे पानी गर्म करना है स्टीमर मैंने इसमें रखा हुआ है अब बस इसमें छोटे छोटी सी वड़ियां तोड़ लेंगे ज्यादा बड़ी साइज में नहीं करेंगे नहीं तो पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और जब पक जाएंगी और अगर साइज में बड़ी होंगी तो उनको बहुत देर तक पकाना पड़ेगा और पकते पकते वो ड्राई हो जाएंगी तो बैच बाय बैच मैं अपनी वड़ियां बना लूंगी तो जब तक मेरी वड़ियां बन रही हैं तब तक हम अपनी करी बना लेते हैं मैं यूज़ कर रही हूँ ग्राउंडनट ऑयल अब हम सबसे पहले डालेंगे जीरा और किसा हुआ प्याज अब बस प्याज को पिंक होने तक भूंज लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं भूंजना है ब्राउन होने तक और अब हम इसमें डालेंगे किसा हुआ अदरक और हल्दी धनिया पाउडर लाल मिर्च और गरम मसाले अब अच्छे से मिला लेंगे और धीमी आंच में सिर्फ 3 से 4 मिनट भूंज लेंगे मसालों की खुशबू बता रही है कि अच्छे से भूंज गए हैं अब ऐड करेंगे प्योरे किया हुआ टमाटर टमाटर अच्छे से भूंज गया है अब ऐड करेंगे थोड़ा वाटर मुझे ज़रा पतली करी पसंद है बफौरी की सब्ज़ी में पर आप चाहें तो अपने हिसाब से अपने पसंद की कंसिस्टेंसी रख सकते हैं
और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बफौरियाँ। This is actually a very healthy dish. दाल, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। I always keep the bafoori prepared in my fridge. और जब भी ज़्यादा थकी हुई हूँ तो बस एक क्विक सी करी लगा करके बफौरी की सब्जी बन जाती है। और अब बस 2 से 3 मिनट इसे और पका लेंगे। तैयार है मेरी बफौरी की सब्जी। मुझे तो बफौरी की सब्जी खाना पसंद है गरम गरम चावल के साथ, पर आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी पराठा या फिर रोटी बना करके इसे इंजॉय कर सकते हैं। सो मेरी बफौरी की सब्जी, आइए देखते हैं इस रेसिपी का एक क्विक रिकैप।